घर पर रहे, सुरक्षित रहे। लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए घर बैठे ही कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना न भूलें। आज हम कुछ प्रोग्राम समझने वाले हैं कि Divi.net में बेसिक्स प्रोग्राम कैसे डिजाइन करें। जब हम प्रारंभिक स्टेज के जो प्रोग्राम्स हैं उनको समझ लेते हैं तो हमें आसानी से उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करना भी समझ में आता है। तो आइए कैसे आप प्रोग्राम को डिज़ाइन करें, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। हम जो प्रोग्राम डिज़ाइन करने वाले हैं वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बटन लेते हैं। बटन एक्टिव एक्स कंट्रोल है और बटन के माध्यम से कोई भी इनपुट देकर के आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। सभी कैलकुलेशन जितने भी होना है अधिकांशतः के लिए हम बटन का ही यूज़ करते हैं, जिसे एक मेन कंपोनेंट भी माना जाता है, समझा जाता है। तो एक्टिव एक्स कंट्रोल भी एग्जाम से आते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है निम्न एक्टिव एक्स कंट्रोल को समझाइए। बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लेबल हो गया, ड्रॉप डाउन बॉक्स हो गया जिसे पॉपअप मेन्यू भी कहते हैं, लिस्ट बॉक्स हो गया। तो इनके बारे में भी हमें समझना है, उनके माध्यम से प्रोग्राम में इनकी क्या यूजबिलिटी है उसे भी हमें समझना है। तो हमने यहाँ पर एक बटन लिया है, इसके अलावा हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम देंगे प्रिंसिपल, इसके बाद रेट और टाइम। तो तीन टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे लिए हैं वैल्यू को जो है कि इनपुट करने के लिए, और उनका रिजल्ट निकालने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स हमने और लिया जिसमें हमारा SI आ जाएगा। इनके निर्धारण के लिए कि किसमें हमें क्या देना है, इसके लिए हम लेबल ले लेते हैं। लेबल प्रोग्राम के अंतर्गत या जो है कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसी वैल्यू को शो करने का एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो एक नाम देने के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है लेबल। तो लेबल पे हम कोई भी नाम निर्धारित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लेबल 1 लिया है, इसी का हम कॉपी कर लेते हैं। तो लेबल 2, लेबल 3 यहाँ पर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी में यहाँ पर कर रहा हूँ, यानी कॉपी और पेस्ट। तो यहाँ पर हमने इसको एक पेस्ट किया, यानी इस प्रकार से हमारे पास चार लेबल हो गए हैं। पहले पर हम देते हैं प्रिंसिपल, दूसरे पे दे देते हैं हम रेट, और तीसरे पे दे देते हैं हम टाइम, और यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट आना है यानी SI। तो हमने नाम दिया इसको SI। अब हम इस प्रोग्राम को वेरिएबल के माध्यम से भी कर सकते हैं और बिना वेरिएबल के भी कर सकते हैं। तो बिना वेरिएबल के करने के लिए तो हम दे सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल टेक्स्ट बॉक्स 1 × 2 × 3 / 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा हो जाएगा। और वेरिएबल के माध्यम से यदि हमें करना है तो उसके लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो बटन पर हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल dim। अब वेरिएबल को हम यहाँ पर या तो प्राइवेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं या पब्लिक भी कर सकते हैं। अभी हम प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं dim। तीन वेरिएबल हम ले लेते हैं, प्रिंसिपल के लिए P, रेट के लिए R और टाइम के लिए T। इसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट हैं तो हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो पॉइंट में भी आ सकता है। तो हम उसको तीनों को तो हम इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम dim SI एज ए सिंगल हम डिक्लेयर करते हैं। ये हमने चार वेरिएबल यहाँ पर ले लिए हैं। अब निकालना क्या है और देना क्या, तो पहले तो हमें देना है, तो हम देने के लिए यहाँ पर दे देते हैं P इक्वल। अभी हमने पिछले प्रोग्राम में टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू दिया था, तो या तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू स्टोर करवा दें या इनपुट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी हमने जो दिया था वही हम दे देते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो हम यहाँ पर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल P में आ जाए, R इक्वल टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अब हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए SI इक्वल P × R × T / 100 यहाँ पर हम देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है तो उसका फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है। और SI को प्रिंट कहाँ करना है, तो हम दे सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल यहाँ पर आ जाए हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। इसको हम रन करते हैं।
यहाँ पर हम देते हैं, जैसे हमने दिया 1000 और रेट 2% की दर हमने दे दिया, टाइम 1 मंथ यहाँ पर हम देते हैं, तो इसका 20 रुपीज़ यहाँ पर SI आ चुका है। यदि हम एग्रीगेट चाहते हैं कि टोटल अमाउंट कितना बना है, तो टोटल का बना करके एक बटन लेकर के दोनों को हम टोटल कर देंगे, जिससे हमारा टोटल अमाउंट भी आ जाएगा, यानी मूल अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला हम एक और प्रोग्राम देखते हैं, बुक सेंटर वाला, जिसमें क्वेश्चन है। यदि हम क्वेश्चन लेवल पर समझे तो बुक का नाम, बुक की क्वांटिटी, बुक का रेट और बुक की दे करके यानी क्वांटिटी और रेट इनपुट का टोटल निकालें और उस पर 10% डिस्काउंट की गणना करने के लिए प्रोग्राम बनाएं, ये हमारा प्रश्न है। तो इसको हल कर कैसे करें वो हम देखते हैं। जब भी हमारे सामने कोई प्रश्न आता है तो हमें ये देखना होगा कि हमें उसके लिए कितने एक्टिव एक्स कंट्रोल की आवश्यकता लगेगी। जैसे बुक का नाम देना है तो एक टेक्स्ट बॉक्स लगना है, बुक का क्वांटिटी देना है एक टेक्स्ट बॉक्स लगना है, बुक का रेट देना है एक टेक्स्ट बॉक्स, तो 3 टेक्स्ट बॉक्स तो ये हो गए। फिर अमाउंट निकालना है तो एक टेक्स्ट बॉक्स वो लगेगा, फिर हमें डिस्काउंट निकालना है तो एक वो लगेगा, और फिर नेट अमाउंट निकालना है तो एक टेक्स्ट बॉक्स वो लगेगा, यानी 5 से 6 टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगना है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्क्रीन को डिजाइन करते हैं कि हमें किन किन एक्टिव एक्स कंट्रोल की आवश्यकता यहाँ पर लगेगी। देखिए यहाँ पर हमने बुक नेम, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट लिए हैं, इतने ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं और ये हमारे लेवल है। एक बटन हमने लिया है जिसका नाम हमने दिया इनपुट और सो, साथ ही साथ एक लेवल लिया है जिस पर लिखा हमने शुभम बुक सेंटर। हम चाहें तो इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें प्रॉपर्टी में जाना होगा, और प्रॉपर्टी में यहाँ पर हम इसका फॉर कलर और जैसे बैक कलर, बैक कलर ये टेक्स्ट लेबल का होगा, इसी प्रकार यहाँ पर फॉर कलर मिल जाएगा। ये फॉर कलर है जिससे आप फॉन्ट का कलर निर्धारित कर सकते हैं। कस्टम पे जाइए, यहाँ पर एनी कलर आप ले सकते हैं, ये कलर हो गया यहाँ पर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर फॉन्ट पे जाएंगे तो आप इसका जो फॉन्ट है उसका निर्धारण भी आप कर सकते हैं। ये फॉन्ट ऊपर ही है, यहाँ पर जाकर के हम फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये हो गया, तो यहाँ पर अब इसका साइज हाईलाइट होकर के आ रहा है शुभम बुक सेंटर। इसी प्रकार यदि आप फॉर्म पे भी कोई कलर निर्धारित करना चाहते हैं तो फोर कलर में जाइए और ये कस्टम पे जाकर के हम कोई भी कलर यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। ये फॉर्म का करना था, फोर कलर हो गया, बैक कलर करना था एक्चुअल में हमें, तो हम फॉर्म के बैक कलर में चले जाते हैं। ये बैक कलर है और कस्टम पे जा करके हम कोई भी कलर यहाँ पर ले सकते हैं, ये कलर हमारे फॉर्म का होगा। तो स्क्रीन का कलर आप कोई वॉलपेपर इमेज वगैरह भी निर्धारित कर सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने फॉर्म की डिज़ाइन यहाँ पे कर लिया है। अब हम इनके लिए वेरिएबल का निर्धारण करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बुक नेम को स्ट्रिंग लिया है और क्वांटिटी, रेट, अमाउंट को इंटीजर लिया है, और डिस्काउंट के लिए DIS नाम का वेरिएबल लिया है, और नेट अमाउंट के लिए NT नाम का वेरिएबल लिया है, जिनको हमने सिंगल डिजाइन किया। अब हम इनकी वैल्यू को और असाइन यहाँ पर कर देते हैं। किसी वेरिएबल में यदि हमें रन टाइम मोड में कोई वैल्यू स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम इनपुट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं BN यानी बुक नेम इक्वल इनपुट बॉक्स डबल कोटेशन चिन्ह के अंतर्गत हम दे सकते हैं कोई मैसेज, एंटर बुक नेम या एनी नेम बुक नेम, ऐसा हम मैसेज यहाँ पर दे सकते हैं। यह हमने दिया, डबल इनकोटेशन चिन्ह बंद करेंगे। इसी प्रकार हम क्वांटिटी और रेट भी यहाँ पर हमने क्वांटिटी और रेट भी दे दिए हैं। अब हमें अमाउंट निकालने के लिए हम क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। डिस्काउंट निकालने के लिए हम दे सकते हैं DIS अमाउंट इंटू कितने परसेंट डिस्काउंट की गणना करना है हमें, 10% डिस्काउंट देना है तो हम वो यहाँ पर देंगे। और नेट अमाउंट निकालने के लिए NET नेट इक्वल हम दे सकते हैं अमाउंट माइनस डिस्काउंट, तो हमारा ये नेट अमाउंट आ जाएगा। अब इन सभी को हम अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में जो है कि शो करवा देते हैं। ये यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 से लेकर के 6 तक के टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत किसकी वैल्यू जाना है वो यहाँ पर हमने निर्धारित कर दिया। अब हम प्रोग्राम को
रन कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बुक सेंटर का कंप्लीट हो चुका है 10% डिस्काउंट की गणना करने के लिए। अब हम यहाँ पर इनपुट, यानी अभी तक हमने जो इसके पहले के प्रोग्राम थे उसमें टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दिया था रन टाइम मोड में, अब हम यहाँ पर बटन को क्लिक करते हैं। जब बटन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इनपुट बॉक्स विंडो आएगा, इसके अंतर्गत हमें बुक का नाम देना है, यानी जो वैल्यू देना है वो यहीं देना होगा। तो बुक का नाम हमने दिया DCA का बुक है, क्वांटिटी हम देते हैं यहाँ पर 10 पीस और रेट देते हैं 120। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल हो गया 1200 और इस पर डिस्काउंट 120 का मिला है, इस प्रकार नेट अमाउंट आ रहा है 1080 का, 1080 रुपये हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है। तो इस प्रकार से बुक सेंटर के लिए हमने एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाया है। यदि आपके पास सिस्टम अवेलेबल है और आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो एक बार प्रैक्टिकल अवश्य देखें। साथ ही साथ आगे हम इसमें डिफरेंट डिस्काउंट की गणना भी करके देखेंगे, जिसमें इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ हम करेंगे, साथ ही साथ चेकबॉक्स आदि का भी यूज़ करने वाले हैं।